ओम अज्ञानतिमिरंधस्या ज्ञानंजनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो जब भगवान ने अघासुर का वध कर दिया था, भगवान उसके गले में भगवान ने अपना शरीर विशालकाय किया, अघासुर श्वास ना ले सका और उसकी आत्मा उसके सर से बाहर निकल करके बाद में कृष्ण के वापस बाहर आने के बाद भगवान में, भगवान की ब्रह्म ज्योति में उसकी आत्मा वहां पर मिल गई। तो जब भगवान ने ऐसे असुर का वध किया जिसका वध करने की प्रतीक्षा देवता गण भी कर रहे थे, तो सारे देवता बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकाश से फूलों की वृष्टि की, नगाड़े बजाए, दुंदुभी बजाई, अप्सराएं स्वर्ग लोकों में नृत्य करने लगी। तो जब इस उत्सव की आवाज ब्रह्मा जी ने सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो भी उस स्थान पर वहां पर आए और बड़े आश्चर्य के साथ में ये सारी वृतांत को वो देख रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी अब आगे बताते हैं कि अघासुर के मारे जाने के बाद में कुछ सालों तक अघासुर का शरीर ऐसे ही वहां पर रहा। वहां की धूप में वो सूख गया और अब मानो वो पुतले के समान बन गया। और अब वहां पर बाद में बालक व्रजवासी लोग खेलने के लिए आते थे। तो इस वृतांत में सुखदेव गोस्वामी जी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो समझनी बहुत महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भी अपने मन में भगवान की छवि को, भगवान के रूप को अपने मन में उतारता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है। क्योंकि भगवान जो है वो पूर्ण रूप से पवित्र है। जैसे अगर आप किसी लोहे को भी अग्नि में रखोगे तो लोहा भी अग्नि की भांति ही कार्य करेगा। हमारा शरीर, हमारा मन अपवित्र है, लेकिन अगर हम पूर्ण पवित्र भगवान के संग में उनको अपने मन में एक बार भी अगर रख पाते हैं तो हमारा मन, हमारा तन पवित्र हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं तो उनका तो क्या कहना जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो 24 घंटे भगवान को अपने मन में रखते हैं, जिनके हृदय में भगवान वास करते हैं। भगवान तो सबके हृदय में वास करते हैं, लेकिन
हम नहीं देख पाते हैं, हमारे सामने माया का पर्दा लगा हुआ है, माया के पर्दे से भगवान ढके हुए हैं। भगवान तो अंदर भी हैं, भगवान बाहर भी हैं, लेकिन हम भगवान को माया के पर्दे के कारण नहीं देख पाते हैं। जबकि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो 24 घंटे बाहर भी देख सकते हैं, अंदर भी देख सकते हैं। तो इसलिए प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। उनकी आंखों के सामने से माया का पर्दा चला गया है, क्योंकि उन्होंने प्रेम की दवाई लगाई है। जब आंखों के सामने एक पर्दा लगा है, कैटरैक्ट होता है ना, जो गंदगी एक प्रकार की होती है, मोतिया बिंदु जिसे कहते हैं, जब आप दवाई डालेंगे आंख साफ हो जाएगी, तब आपको जो है सही प्रकार से दिखेगा। तो माया का ये जो पर्दा गंदगी के द्वारा ढका हुआ है, भौतिक गंदगी जिसे अनर्थ कहते हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इन सब के द्वारा माया का पर्दा बना हुआ है। तो जब हम भगवान के बारे में विचार करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का या लीलाओं का श्रवण करते हैं, भगवान वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम भगवान के रूप को भी अपने मन में विचार करते हैं, स्थापित करते हैं, हमारा मन, हमारा तन सब शुद्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि क्योंकि भगवान ने अघासुर को ये अवसर प्रदान किया था कि वो कुछ समय के लिए अपने शरीर में भगवान को रख सके, इसलिए उसका सारा शरीर पवित्र हो गया था। इसलिए उसको ये अवसर प्राप्त हुआ कि मृत्यु के बाद में उसकी आत्मा कुछ देर तक प्रतीक्षा करती रही, भगवान के निकलने के बाद में वो भगवान के शरीर से निकलती हुई ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गई। तो ये अवसर जो है भगवान ने उसको प्रदान किया। तो हमें भी ये अवसर प्राप्त हो सकता है। जैसे भगवान ने ये अवसर अघासुर को दिया कि भगवान उसके शरीर में कुछ समय के लिए रहे, तो अगर हम भी भगवान को अपने मन में रख सकें, अपने हृदय में भगवान को जगह दें, तो हम भी उसी प्रकार से पवित्र हो जाएंगे। तो ये सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो तो 24 घंटे भगवान को अपने मन में, अपने हृदय में रखते हैं। इसलिए तो कहा जाता है भगवान के शुद्ध भक्त जहाँ पर भी जाते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। भगवान के शुद्ध भक्त जहाँ पर भी चरण रखते हैं, अगर आपके घर में भी रखते हैं, आपका घर भी तीर्थ स्थान बन जाता है, क्योंकि उनके हृदय में हमेशा भगवान है। जहाँ पर भगवान है वो तीर्थ स्थान है, वही मंदिर है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात जो है सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। और महाराज परीक्षित ये सब सुन करके बड़े ही आनंद से भरे हुए हैं। भगवान की इतनी महत्वपूर्ण ये महिमा का गान सुन के परीक्षित महाराज जो है उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो बड़े ही हर्षित हैं ये सब सुन करके। आगे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ये जो भगवान की ये जो लीला घटी, ये लीला भगवान की हुई जब भगवान 5 साल के पहले थे, लेकिन ये घटना व्रज भूमि में किसी को भी 1 साल तक पता नहीं लगी। और जब भगवान 5 साल के हो गए 1 साल के बाद में, तब जाकर के
भगवान के ये जितने भी दोस्त थे सबने जाकर के ये घटना लोगों को बताई, व्रजवासियों को बताई। और कैसे बताई, मानो आज ही घटना घटी हो। तो ये सुन करके परीक्षित महाराज बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वो कहने लगे, हे सुखदेव गोस्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपका अत्यंत धन्यवाद करता हूँ कि आपके मुख से मैं भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, परीक्षित महाराज की भी रक्षा भगवान ने उसके माँ के गर्भ में की थी। जब परीक्षित महाराज के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, परीक्षित महाराज उस समय अपनी मां के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में थे। उस समय स्वयं भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। तो परीक्षित महाराज ने भगवान के गर्भ में ही दर्शन किए थे, बड़े भाग्यशाली थे। तो इसलिए भागवत में कहा है कि वो परीक्षित जिनकी रक्षा भगवान ने माँ के गर्भ में की थी, वो अब सुखदेव गोस्वामी जी से भगवान के बारे में बड़े आतुरता के साथ में और प्रश्न पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, कृपा करके मुझे ये बताइए, ऐसे कैसे हो सकता है कोई घटना एक साल पहले घटी हो और ये सारे बालक उसे एक साल के बाद बता रहे, और एक साल तक ये घटना किसी को भी पता नहीं चली, और ये बालक कैसे बता रहे हैं कि मानो घटना आज ही घटी हो। तो जो घटना पहले घट चुकी है वो आज कैसे घट सकती है, ये तो संभव नहीं है। तो ये क्या कुछ भगवान की माया का कुछ आधार था इसके पीछे, कृपा करके मुझे इसके बारे में बताइए। तो जब सुखदेव गोस्वामी जी को महाराज परीक्षित ने ये प्रश्न पूछा, तो सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं कुछ देर के लिए भगवान की लीलाओं में ध्यान मग्न हो गए। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और जब भगवान के बारे में उन्होंने कुछ परीक्षित महाराज और पूछ रहे हैं, तो उन लीलाओं के ऊपर ध्यान लगा करके सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं भगवान की लीलाओं में ध्यान मग्न हो गए। अपनी सारी बाहरी शुद्ध बुद्ध वो खो बैठे और कुछ देर के लिए कुछ ना बोल पाए, लेकिन फिर जब वे बाहरी चेतना में जागृत हुए बड़ी मुश्किल से, तब उन्होंने दोबारा जो है परीक्षित महाराज को बताना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हे परीक्षित, तुम इतनी देर से भागवत कथा सुन रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, और खासकर भगवान की बाल लीला सुन रहे हो, लेकिन अपने प्रश्नों के द्वारा तुम इस कथा को नया नया रस प्रदान कर रहे हो। क्योंकि भगवान की कथाएं जो होती हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हरेक क्षण उसमें नए नए रस का आस्वादन करते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है आध्यात्मिक भगवान की अद्भुत लीला और भौतिक संसार की कथाओं में। भौतिक संसार की कथा अगर आप कुछ देर भी सुनेंगे, उसके बाद में आप बोर हो जाएंगे, फिर आप नई कथा सुनना चाहेंगे। इसलिए तो आप नई नई नावल पढ़ते हैं, एक नावल को आप कितनी बार पढ़ेंगे। लेकिन भागवत कथा, श्रीमद् भागवत 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने रचित की थी, उससे पहले भी थी, लेकिन हमारे लिए 5000 साल पहले लिखी,
और आज भी 5000 साल के बाद भी लोग जो हैं भागवत की कथा सुन करके, पढ़ करके, श्रवण करके आज भी उसमें नए नए रस का आस्वादन करते हैं। तो ये अंतर होता है। जो व्यक्ति, ये ध्यानपूर्वक सुनिए, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ में ध्यानपूर्वक भगवान की कथाओं को सुनता है, वो उस व्यक्ति के लिए भगवान की कथाएं कभी भी पुरानी नहीं होंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसकी भगवान की कथाओं से रुचि चली जाएगी कि ये कथा तो मैंने सुनी है, ऐसा नहीं है। उसी भगवद गीता को, उसी भागवतम को अगर हम बार बार भी सुनेंगे, नए नए अर्थों का हमें ज्ञान होगा और नए नए रसों को हम उसमें चख पाएंगे। ये बहुत बड़ा अंतर होता है भौतिक में आध्यात्मिक में। इसलिए तो भगवान के बारे में भी कहते हैं नव यौवनम च, भगवान सबसे पुराने हैं लेकिन फिर भी हमेशा भगवान नव यौवन में रहते हैं। इसी प्रकार से भगवान की कथाएं कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, लेकिन उसमें हमेशा ताजगी रहती है। हम उसमें हर एक क्षण नए नए रस का आस्वादन कर सकते हैं। केवल हमारी तरफ से क्या जरूरत है, बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही विश्वास के साथ में, एकाग्रता के साथ में, ध्यान लगा करके अगर हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे तो हम कभी बोर नहीं होंगे। भगवान की कथाओं में हमारी आनंद की केवल वृद्धि होगी। तो और हम इस कथा के बारे में अगली कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।